एवरीवन, वेलकम टू शुभांगी मिश्रा शुक्ला व्लॉग्स। तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन है माँ कात्यायनी जी का और कलर है ऑरेंज, और मैंने ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ है। सूट पे छोटे छोटे थोड़े 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 वर्क हो रखे हैं ऑरेंज कलर से। मेरे पास ऑरेंज कलर के सूट हैं बट वो बाहर आने जाने के लिए है, तो घर पे मैं नहीं पहन सकती। तो ऑरेंज के लिए अभी मैंने घर पे घर वाला ही सूट पहना हुआ है। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी चाय पीते हुए। फिलहाल अब मैं आपको जा रही हूँ दिखाने कि मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ और उसके साथ ज्वेलरीज कौन सी पेयर अप करने वाली हूँ। मेरा व्हाइट कलर का सूट रहेगा, ये रहेगा नेक पीस, इसी में इयर रिंग्स भी हैं, और ये रहेगा हमारा हैंडकफ और नो स्पिन एंड रिंग, द थिंग विच आई एम गोइंग टू वेयर टुडे। और अब शुरू करते हैं मेकअप। तो हम रेडी होने वाले हैं फाइनली माँ कालरात्रि जी के दिन के लिए, जिसका कलर रहेगा वाइट। तो हम वाइट कलर के हिसाब से अपना आज का मेकअप करेंगे। और ये मैं कलर पैलेट से कंसीलर यूज़ कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस एंड अराउंड माई आईज अच्छे से, क्योंकि हमको नहीं यूज़ करना है फाउंडेशन, तो कहीं पे भी रेड मार्क या आपकी नर्व्स ज़्यादा हाईलाइट हो रही हों या फिर पेल हो कहीं पे या फिर अनइवन स्किन टोन हो, तो वहाँ सब जगह आप अच्छे से कंसीलर प्लेस कर लीजिए। और मैं फाउंडेशन इसलिए नहीं यूज़ करूँगी, इतना हैवी मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है रील और मैं ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ। इस वजह से मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, और कंसीलर वैसे भी अच्छा खासा कवरेज दे देता है, तो उसका एज सच कोई टेंशन नहीं है। और अब हम कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्रश के थ्रू। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रश के थ्रू आपने ब्लेंड किया है और आपको फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो आप स्पंज का भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने कंसीलर उतना लगा लिया है कि मैं पूरे फेस को कवर कर सकती हूँ आराम से, जो मैं कर भी रही हूँ। जहाँ जहाँ कंसीलर लगा है, जिन जिन स्पॉट्स को मुझे कवर करना था कंसीलर के थ्रू, वहाँ यूज़ करने के बाद एक बार ब्रश मैं उस जगह पे डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ जहाँ मैंने कंसीलर नहीं यूज़ किया है, ताकि मेरा ओवरऑल फेस कवर हो जाए। अब हम स्पंज को वेट कर लेंगे हल्का सा और स्पंज से एक बार ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से कंसीलर को। थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे अपने गले को भी, पूरा कवर करना चाहिए जितना एरिया गला वॉट, जितना एरिया आपका ओपन है उसको कवर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके जिस जगह पे मेकअप किया वहाँ का टोन अलग जा रहा है और जो पार्ट उसके अलावा भी दिख रहा है उसका टोन अलग जा रहा है। तो लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ अभी, मेरा वही रीज़न है, मैं रील बना रही हूँ और रील बना रही हूँ तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। अब हम एक बार लूज पाउडर यूज़ कर लेंगे अपने आईज़ के अराउंड पे सिर्फ, क्योंकि हमें उस पर मेकअप करना है सबसे पहले, उसके बाद हम आई मेकअप के बाद ऑल ओवर फेस पे एक बार लूज पाउडर यूज़ करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे काजल से, तो एक बार काजल को पूरे उस पर नहीं, एक बार काजल को अच्छे से आईलेट, हाफ आईलेट तक स्प्रेड कर ले। और ये मैं लाइट कलर काजल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ऊपर पाउडर्ड फॉर्म में आई शेडो यूज़ करूँगी, इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। और ये ब्लेंड करते वक्त आपको लगेगा कि आप बर्बाद कर रहे हो या ऐसा कुछ लगेगा, तो उसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। ब्लेंड के टाइम पे आपको वाइप आउट वाली भी फीलिंग आएगी कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि वाइप आउट हो रहा है, वाइप आउट नहीं हो रहा है। इसके ऊपर इवेंचुअली हमको प्लेस करना है पाउडर्ड फॉर्म में अपना आई शेडो। यू कैन सी, अब हम लेंगे आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का आई शेडो, टैप करेंगे और उसके बाद हम प्लेस करना शुरू कर देंगे इसको। सबसे पहले उस पार्ट पर प्लेस करेंगे जहाँ पर हमने ब्लैक कलर के काजल को यूज़ किया था। आपको जितना डार्क करना है आप उतना डार्क कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है। और अब हम लाइट ब्राउन आई शेडो यूज़ करेंगे और उसको टैप करेंगे और उसके बाद आउटर कॉर्नर पे और क्रीज लाइन पे प्लेस करना शुरू कर देंगे। मैंने बोला था ब्लैक कलर को ऊपर तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि आज ऊपर तक का काम है ही नहीं, आप ऊपर तक भी उसको लेके जा सकते हो, पूरी आईलेट कवर कर सकते हो, बट आज हमको सिर्फ और सिर्फ हाफ आईलेट तक ब्लैक
आई शेडो को प्लेस करना था और हियर कंटिन्यूसली आई एम यूजिंग ऑन द आउटर कॉर्नर माय ब्राउन आई शेडो एंड देन पुटिंग इट ऑन द क्रीज लाइन। और एक बार फिर से हम ब्लैक आई शेडो लेंगे और उसको ब्राउन जो अभी हमने आउटर कॉर्नर पे लगाया है और उसके साथ ऐसे से मर्ज कर देंगे। ऊपर तक नहीं लेके जाना है, जहाँ तक हमने पहले यूज़ किया था ब्लैक कलर का आई शेडो बस वहीं तक यूज़ करना है। हम अपना काजल यूज़ करेंगे एज एन आई लाइनर। Liner is done with kajal and up it's time for kajal to put on your waterline properly and kajal is done। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा स्मच करेंगे, स्मच ब्रश और एक सेकेंड रेसिड्यूज। कभी भी आपको आइज के नीचे रेसिड्यू दिखे और आपको लग रहा है आपको वहीं पे स्ट्रेच करना है तो ब्रश से ही हटाना, कभी भी हाथों से नहीं हटाना वरना वो फैल जाता है। और अब इसको हम धीरे धीरे वाटर लाइन के नीचे स्मच करना शुरू कर देंगे एंड यू कैन सी काजल को स्मच कर लिया है। अब हम लेंगे ये ब्राउन कलर सेम ब्रश से जिससे हमने अपने ब्लैक कलर का आई शेडो यूज किया था और उसको हल्का हल्का काजल के नीचे से लगा लेंगे। अब हम इनर कॉर्नर पे कॉपर कलर का शाइनी आई शेडो लेंगे और उसको इधर इनर कॉर्नर पे प्लेस कर देंगे। और अब जितना भी कंसीलर आपके ब्रश में बचा हो उससे सेट कर लेंगे, कहीं अगर आसपास ज़्यादा लग गया हो। ये सब मेरे खुद के ट्रिक्स हैं, मैं अपना करती रहती हूँ, ऐसे ही सेट कर लेती हूँ। सो ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप इज़ डन। अब हम लूज पाउडर अपने ऑल ओवर फेस पे प्लेस कर लेंगे। मैं सब आगे पीछे यूज़ कर रही हूँ तो ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये बस मैं अपना शेयर कर ले रही हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ। और अब हम अपने लैशेस को कर्ल कर लेंगे, मस्कारा प्लेस कर लेंगे अपने लैशेस पे। अगर आप फॉल्स आई लैशेस यूज़ करेंगे तो इट विल लुक ऑसम। लाइक अगर आप स्मोकी आई कर रहे हो, कंप्लीट स्मोकी आई, तो उसके साथ तो भाई आपका फॉल्स आई लैशेज इज ऑसम, ऑसम विल लुक ऑसम, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और अब हम फटाफट अपने लैशेस को ब्रश कर लेते हैं। अब हम हाइलाइटर यूज़ कर लेंगे और उसको ब्राउज के नीचे प्लेस कर लेंगे। And now we will use our brow brush to set our brows. और मैं पेंसिल नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट नीडेड। काम करते हैं आज लोअर लैशेस पे भी, हम हल्का हल्का मस्कारा लगा लेते हैं, लुक अच्छा आ जाएगा। क्योंकि हम फॉल्स आई लैशेस तो अपने लेजीनेस की वजह से नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाएगा और मुझे टाइम नहीं लगाना है। और अब टाइम है हमारे दी फेवरेट पार्ट का, यानी कि ब्लश। टिक 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 टिक, आज ज़्यादा लेंगे। एंड हियर वी आर डन। अब हम ब्लश को ब्लेंड कर लेंगे। तो पहले इसको ऐसे ही फेड कर लेना चाहिए जैसे मैं कर रही हूँ। ये हमने ब्लश लगा लिया है और अब जितना भी पार्ट बचा होगा उसको हम अपने टेम्पल्स पे लगा लेंगे ताकि वो अलग से वाइट वाइट ना दिखे। और अब हम यूज़ करेंगे कॉन्टूर। इसको ब्लेंड कर लेंगे कॉन्टूरिंग को अच्छे से साइड बाय साइड एंड देन आप और सेम हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम यूज़ कर लेंगे व्हाट डिड आई डू, दिस इज हॉरिबल। एनीवेज एक टिश्यू रखिए अपने साथ, मेरे जैसे कांड करने के बाद ये टिश्यूज ही हैं जो आपके काम आएगा।
और उसके बाद जिससे हमने कंसील किया था, जिस ब्रश से, हम उसको यूज़ कर लेंगे एंड इट इज़ गॉन। अब हम इसके ऊपर हाइलाइटर यूज़ कर लेंगे। हाउ क्यूट ना, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं, क्या कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से सबको ब्लेंड कर लेंगे और जो भी बचेगा उसको साइड साइड में उसको लगा लेंगे। हम वाइट कलर का हाईलाइट कर लेंगे, उसको टैप करेंगे और एकदम हाई एंड पे, जहाँ पे ब्लश हमारा फिनिश हो रहा है वहाँ हम हाईलाइट कर लेंगे। दैट्स इट। जब आप स्मोकी आई क्रिएट कर रहे हो तो न्यूड लिपस्टिक से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। सो अब हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ये पिंक शेड। इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और अब हम यूज़ करेंगे न्यूड शेड। और ये मेरा लुक हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। व्हाट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अभी ही ये लुक थोड़ा बहुत आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, बट धीरे 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 जैसे मैं रील बनाऊंगी और उस वक्त मेकअप सेटल होता रहेगा तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं रील शूट करने के बाद फाइनली आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो यस, वेट फॉर दैट मोमेंट। हेलो एवरीवन, दिस इज माय एंटायर लुक एज यू कैन सी। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एंटायर लुक अचीव कर लिया है। और एक मिनट, थोड़ा सा मैं और नीचे करती हूँ कैमरा तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो यस, दिस इज़ माय फाइनल लुक, यू कैन सी। बहुत दिन से ये सूट मेरे पास है और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ ऐसा पड़े जो ये सूट मैं पहन पाऊँ, एंड फाइनली आई एम वेयरिंग दिस सूट हैप्पीली एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाय अचीविंग माय that look which I ever wanted to create on this particular suit. This look you can take in any kind of festival or like in somebody's marriage. Haldi ke time pe most of the time bahut log white color ka bhi theme rakh lete hain, to you can go for it off white and all ka. Mujhe comment section mein zarur batana ki ye look aapko mera kaisa lag raha hai, because mujhe to bahut acha lag raha hai, trust me. Bahut zyada मैं खुश हूँ इस समय कि मैंने ये फाइनली ये लुक क्रिएट कर लिया। एक साल से वेट कर रही थी कुछ तो पड़े, और मैं आलसी बहुत हूँ, अगर कुछ पड़ेगा नहीं तो मैं सोचती रहूँगी लेकिन करूँगी नहीं। तो गाइज, मैं एक टेक और लेकर आई हूँ रील का, क्योंकि इन सब के बिना जो लास्ट लुक क्रिएट हो रहा था वो काफ़ी अनफिनिश्ड लग रहा था, और अगर कोई वाकई में ध्यान से देखेगा तो वो लुक में वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने वापस से अपने सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज पहने और उसके बाद लास्ट वाला सेक्शन मैंने फिर से शूट किया, एंड इट टर्न आउट वेल। आपको अगर मेरा फाइनल लुक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। हे एवरीवन, फेस वॉश डन, भगवान की पूजा इज डन, मेरा पाठ इज डन। अब मैं जा रही हूँ छोटी छोटी कन्याओं के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेने। ये मेरा आज का लुक है। मैंने आपको बताया था ना, आई हैव ऑरेंज सूट, बट सीन ये है कि सब बाहर के आने जाने के अच्छे खासे हैं तो मैं घर पे पहनना नहीं चाह रही हूँ। टुडे टू गो आउट टू डू शॉपिंग फॉर छोटी छोटी कन्याएं। ये मैं और मेरी तन्हाई साथ में चल मेरी तन्हाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत दिन से व्लॉग में लोगों ने आपको नहीं देखा, जब से मेरा नवरात्रि वो सीरीज चालू हुआ है। फिर मैं रेगुलर आऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे मैं कहां हूं, फिर तुम लाइमलाइट शेयर हो जाएंगे। ओह, आई वांट यू टू शाइन। ओह, बीइंग कॉकी। हां फ्रैंक, मैं बहुत दिन से अपने इन सारे लुक्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, मेरे एफर्टलेस ब्यूटीफुल लुक्स, और फाइनली आज मुझे ऐसे रेडी होने का मौका मिल गया। या तो मैं घर पे एकदम ही भिखारी बन के घूम रही थी, या तो एकदम डीवा हो जा रही थी। ये बीच का जो मिडवे था वो नहीं मिल पा रहा था मुझको, तो आज जब फाइनली मैं एकदम नॉर्मली जस्ट वन मिल रही एंड ओनली लिपस्टिक रेडी हुई है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और कार मैंने निकाल दी है, मैं आपसे बातें बात करती हूँ। तो भाई, आज तो डी मार्ट में बहुत गंदी वाली भीड़ है, तो हम अब ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी
कॉस्मेटिक शॉप पे ही जाएं और वहां से ही कुछ छोटी छोटी कन्याओं के लिए ले ले। बहुत भीड़ है। अंदर जाने के लिए लाइन लगी। हाँ, नेक्स्ट लेवल भीड़ है आज डीमार्ट पे। फाइनली वी आर नियर टू आवर होम और यहीं पे हमको एक स्टेशनरी शॉप मिल गई है, स्टेशनरी एंड गिफ्ट। सो गिफ्ट में मे भी जो मुझे चाहिए अगर मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे। दिस इज़ द शॉप और अब चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। सो गाइस, ब्रांड में बहुत बड़ा चेंज आ गया है और चेंज ये है कि आज हमारे दोनों में से कोई काम नहीं पाए, ना तो माता रानी के दर्शन हो पाए और ना कन्याओं के लिए गिफ्ट्स ले पाए। रीज़न भी आज है संडे, हर जगह भर भर के भीड़ है, डी मार्ट पे भीड़ है। अभी जहाँ मैं उतरी थी वो टॉयज़ एंड गिफ्ट्स की शॉप है, वहाँ जो मुझे चाहिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट से गिफ्ट वो है ही। तो अभी उमंग है सजेस्ट, चलो एक टेंपल चलते हैं। और उमंग आप मुझे पहले भी यहाँ लाए हो। हाँ। मुझे याद है जब हम लोग हमारा फ्लाइट देख रहे थे तब आए थे। मंदिर में दर्शन बहुत ही मस्त हुए, हमने प्रसाद भी ले लिया। अब एक फाइनल राउंड हम ऐसे चल तो रहे हैं अपने घर के ही तरफ, अगर कहीं भूले भटके कोई शॉप मिल जाती है तो हम रुक के शॉपिंग कर लेंगे, अदरवाइज कल के लिए तो प्लान शिफ्ट हो ही गया है। सो फाइनली एट होम और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। सोने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज एज मच एज यू कैन, इन दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो। टिल देन गुड नाइट, बाय।